नमस्कार, हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 पीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत धमाकेदार खबर है। अचानक किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और दोनों मां बेटी दिल्ली रवाना हो गई हैं। चर्चाएं यहां तक भी हैं कि आज शाम को उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी। उसके इस तैयारी के पीछे का कारण बड़ा यह माना जा रहा है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में जब यह तय किया गया कि उम्मीदवार कौन होगा तो सबसे पहला नाम राव बहादुर सिंह का रखा गया। बहादुर सिंह के अलावा दूसरा नाम राव दान सिंह का था और तीसरा नाम श्रुति चौधरी का। इसी से किरण चौधरी खासी नाराज बताई जा रही हैं। उन्होंने आज सुबह तो शाम का एक कार्यक्रम था वो कार्यक्रम किया और बाकी सारे कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि यह कार्यक्रम रद्द कर दिए जाए और दोनों माँ बेटी दिल्ली रवाना हो गई। माना जा रहा है कि आज शाम को अमित शाह से मुलाकात के बाद वह कल भाजपा में जाने का ऐलान कर सकती हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं चौधरी बंसीलाल परिवार को बहुत नजदीक से जानने वाले व उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, दादरी से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा व नारनौल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सैनी। अजय मल्होत्रा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूँ। आप चौधरी बंसीलाल परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लगातार उनके परिवार की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी ने अपने सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं और बेटी के साथ दिल्ली रवाना हो गई हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में स्पष्ट चर्चाएं हैं कि उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है और वो कल आज शाम को अमित शाह से मिलने वाली हैं। देखो, राजनीति में वैसे तो संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली जो चर्चा है कि मुलाकात वाली, ये पिछले सैटरडे भी थी। पिछले सैटरडे भी ये बात आ रही थी कि किरण चौधरी जी आज अमित शाह जी से मिलेंगी। तो जब किरण चौधरी जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, संडे को मैंने उनसे पूछा था भाई दूरभाष पे ही, मैंने कहा भाई आपका ये चर्चा चल रही है कि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हो। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर किसी स्टेज पे ऐसी बात आती है तो बोली मैं वर्कर्स से भी डिस्कस करूंगी। मतलब कि संभावनाएं तो ओपन है, बट फेस पे वो मना कर रही थी। और रही बात चुनाव लड़ने की, देखो ये तो मान के चलो कि अब की बार जो कांग्रेस की टिकट है वो दी जाएगी, सर्वे जो इन्होंने सर्वे करवाया है ना जी 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 उस सर्वे के आधार पर होगी टिकट। तो अब उस सर्वे में किसका लॉटरी निकलती है वो बात दूसरी है। और ये तो जो पुराने नेता हैं किरण चौधरी और ये जो दान सिंह है, हो सकता है कि ये ज्यादा इच्छुक भी ना रहे अब की बार। तो ऐसे में फिर बहादुर सिंह का नंबर भी पड़ सकता है चुनाव के लिए। और रही बात ये जो चर्चा आई है किरण चौधरी के जाने ना जाने की, इसकी मेरे को सूचना तो नहीं है। बाकी देखो पिछले कुछ दिन से इस चीज की चर्चा रही है, भिवानी में भी किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और लोकसभा की कैंडिडेट भी हो सकती हैं भिवानी से फिर कोई। तो अभी देखो कि उनकी आज की, अगर आप बता रहे हो कि वो रवाना हुई है तो अभी दिन चढ़ने के बाद पता चलेगा। ऐसा अभी मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही, ना मेरे को आगे भी कोई ऐसी चर्चा आई है अभी ठोस चर्चा। जी, सैनी जी, हमारे पास जो सूचना है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें पहला नाम राव बहादुर सिंह का है और इसी से ही किरण चौधरी खासी नाराज हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहादुर सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं? राव दान सिंह या श्रुति के अलावा नाम बहादुर सिंह का पहले नंबर पर रखा गया है। देखिए, राव बहादुर सिंह जो है हुड्डा गुट से माने जाते हैं और अक्सर वो मीडिया के सामने दावे भी करते रहते हैं कि भाई टिकट उन्हें ही मिलेगी। बाकी कई बार मीडिया साथियों ने उनसे ये भी सवाल किया, अगर नहीं मिले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो भी उनका ये दावा था कि चुनाव तो वे हर हाल में लड़ेंगे, चाहे टिकट मिले या ना मिले। पर फिर भी उनका ये दावा था कि टिकट तो कांग्रेस की मुझे ही मिलेगी। तो ऐसे में, क्योंकि पहले भी राव बहादुर सिंह हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो सेकंड नंबर पे रहे थे, श्रुति चौधरी थर्ड नंबर पे थी। तो क्योंकि महेंद्रगढ़ एरिया है जो अहिरवाल का एरिया है, तो इसमें इनकी अच्छी पकड़ है और उधर से कांग्रेस की अगर टिकट मिलती है तो हुड्डा उनका सहयोग करेंगे तो बात बन सकती है। जी प्रवीण, आपसे पूछना चाहूं, आप काफी नजर रखते हैं श्रुति चौधरी के कार्यक्रमों में, आप लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही ऐसी सूचना आई कि स्क्रीनिंग कमेटी ने राव बहादुर सिंह का नाम कर दिया है तो किरण चौधरी और उनकी बिटिया ने अपने सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं।
और दिल्ली रवाना हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि जी बिल्कुल भाजपा में शामिल हो सकती हैं? ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है किरण चौधरी की आज जो मुलाकात होने वाली है वो दिल्ली में होगी। इधर 10 तारीख की दादरी के अंदर किरण चौधरी ने रैली रखी हुई है 10 मार्च की। अब जी सूचना मुझे कुछ देर पहले ये मिली है कि वो रैली विस्तृत हो गई है और किसान आंदोलन का जो धरना चल रहा है दादरी में समस्तपुर के पास, जी वहां अपने कार्यकर्ताओं को और किसानों को वहां बुलाया है। तो रैली का स्थगितकरण भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों इस बात को लेकर चल रही हैं। कल ना क्या समीकरण बने तो विरोधी पार्टी यानी कि भाजपा पर तीर तंज आजकल नहीं कसे जा रहे हैं। जी जी पंडित जी तो क्या कहना चाह रहे, किरण चौधरी भाजपा के प्रति कुछ नहीं बोल रही थी पिछले कई दिनों से। असल आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका कहना है कि वो भाजपा पे कोई कमेंट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, तो आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? जी बिल्कुल देखिए पिछले 20 दिन पहले मेरे को एक बड़े विश्वसनीय सूत्रों ने ये बात बताई थी और मेरे से पूछा भी ये गया था कि हमारी चर्चा हुई थी किसी बड़े अधिकारी के साथ मेरी खुद की, उसने भी बीजेपी के एक पैनल में किरण चौधरी का नाम रखा हुआ था और उसने साफ साफ ये था कि अगर किरण चौधरी बीजेपी से इलेक्शन लड़ती है तो क्या रहेगा। तो मेरा तो अपना मानना है कि अगर बीजेपी खुद अपने प्रकार से किरण चौधरी का नाम सर्वे में रख के सर्वे करवा रही है कोई, तो बीजेपी के जेन में भी ये चीज है अगर धर्मवीर का अल्टरनेट तलाश करना तो किरण चौधरी हो सकती है। पर पेच कहाँ फंसा है पंडित जी, पेच यहाँ फंसा है कि किरण चौधरी अगर लोकसभा लड़ती है तो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए 2 साल से विधानसभा का टिकट मांग रही है और बीजेपी इस बात को सोचने पर मजबूर है, तब जाके इस बात में ढिलाई हो रही है कि किरण चौधरी अब से पहले सूत्रों के हवाले से खबर के बाद वो बीजेपी में जा सकती थी लेकिन अब दोनों सीटें बेटी की और खुद की कंफर्म करने के बाद ही अगला कोई कदम उठाने वाली है। मल्होत्रा जी, प्रवीण 2 कदम आगे की बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा ने सर्वे भी नहीं, करवाया होगा ऐसे कि किरण चौधरी के नाम से, कि भाजपा ने ही सर्वे करवा दिया कि किरण चौधरी कैंडिडेट हो तो क्या रहेगा? पंडित जी देखो, वैसे तो किरण चौधरी के जाने की चर्चा पिछले साल जून से ही चल रही है। जब जी ये राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उन पे ये जी आरोप था भी उन्होंने अपना वोट कैंसिल किया है, जबकि किरण चौधरी इस बात से इंकार करती रही कि मैंने मेरा वोट कैंसिल नहीं किया, ये जी हुड्डा जी गुट के किसी एमएलए ने कैंसिल किया था अपना वोट। जी जी तब जी से जी ये चर्चा लगातार चली और अब आकर जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी हरियाणा की चुनाव जी समिति की, जी उसमें मेरे को जानते मेरी सूचना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस बात का प्रस्ताव भी रखा भी किरण चौधरी अगर कैंडिडेट हो तो इस पर दूसरों ने ये कहा जी वो तो पार्टी में ही नहीं है, अगर बोल रहा कि पार्टी में आ जाए अच्छा तो कहीं ना कहीं चर्चा तो हाँ आई है हाँ वहां पर मीटिंग में, इसमें कोई शक नहीं। और जो भाजपा के नेता हैं उन वो दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनकी पैरवी कर रहे हैं वहां अरे वाह पर जी शामिल करवाने के लिए। तो जी अब ये मान के चलो कि श्रुति चौधरी अब की बार बहुत कम चांस है कि कांग्रेस की उम्मीदवार होंगे, बहुत कम चांस। जी अब ऐसे में जी जी रह गया भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प, ये नहीं कि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलेगी, किरण जी चौधरी के पास एक ये चुनाव समिति जो स्क्रीनिंग कमेटी है ये ज्यादा मैटर नहीं करती है। जब जब बंसीलाल का नाम आता है, परिवार का नाम आता है, एक बहुत बड़े नेता का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी पोती है वो, जी और जी उनके जो कांग्रेस हाईकमान में पकड़ भी है, अगर वो जी सीरियसली टिकट की कोशिश करेंगे तो टिकट उन्हें मिलेगी, इसमें कोई शक जी नहीं है। परंतु मेरी जो सूचना है कि किरण चौधरी को ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है आपकी बार टिकट के लिए, तो जी दोनों बातें हो सकती हैं, उनका इंटरेस्टेड ना होना, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो और वहां पर पूरी बार्गेनिंग ना हो पा रही हो। देखो ये तो स्वाभाविक है कि किरण चौधरी अपने लिए तो चलो वो भारतीय जनता पार्टी मेरे को नहीं लगता कि मना करेगी उनको लोकसभा की टिकट देने से, क्योंकि जहां तक मेरी सूचना है कि उन्होंने हाँ भी भरी हुई है इस चीज की, और जी वो साथ में ये चाहती हैं भी एक या दो विधानसभा की सीटों पे भी उनकी वो रहे, खासतौर पे तोशाम की जो सीट है वो श्रुति को हाँ दिलवाना चाहता हूँ। हाँ भारतीय जनता पार्टी अभी इस बात पे हाँ नहीं भर रही है, जी और अगर ये बार्गेनिंग होती है और किरण चौधरी पूरा मन बना लेती हैं जाने का, तो मेरे को नहीं जी लगता कि फिर उनकी टिकट को भी रोका जा सके। स्टेज मैं आपसे पूछना चाहूं कि अब गेंद शायद अहिरवाल के पाले में है, राव दान सिंह या राव बहादुर सिंह, अगर किरण जाती हैं या किरण नहीं लड़ती हैं चुनाव, तो
तो क्या लगता है कि आपको बहादुर सिंह या राव दान सिंह? देखिए, राव बहादुर सिंह जो इस वक्त हर जिले महेंद्रगढ़ के हर गांव का दौरा कर चुके हैं, पिछले 2 महीने से हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उन्होंने पक्का मन बनाया हुआ है, चाहे उन्हें टिकट मिले ना मिले, उनको चुनाव लड़ना है। तो वो डिपेंड भी नहीं है कांग्रेस पे कि अगर कांग्रेस की टिकट मिले ही तो ही लड़ेंगे। प्रयास जरूर कर रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि हुड्डा ने उनको हाँ की हुई है, टिकट देंगे, इसलिए वो अभी भी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 14 जनवरी को भी एक बड़ी रैली की थी, उसमें भी ये सीधा संदेश देना चाह रहे थे कि भाई उनको चुनाव लड़ना है। जी पंडित जी, प्रवीण मैं आपसे पूछूं, पंडित जी मैं, हाँ हाँ मल्होत्रा जी बताइए। मैं दो बातें करना चाहता हूँ कि कास्ट समीकरण भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सुधा यादव को टिकट दे देती है तो ऐसे में फिर अहिरवाल में आएगी कांग्रेस, फिर किसी जाट को ही उतारा जाएगा। और दूसरी बात, जहां तक अगर किरण चौधरी मैदान में आ जाती हैं तो फिर अहिरवाल से अपने आप स्वाभाविक तौर पर ही जाना है। तो अब ये जो दूसरी तीसरी बात है कि जो बहादुर सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, कि उनसे इनेलो वाले भी संपर्क में है कहीं ना कहीं, अगर वो कांग्रेस की टिकट नहीं मिले तो इनेलो तैयार बैठी है उनको टिकट देने। जी। प्रवीण मैं आपके पास आ रहा हूँ, अगर किरण चौधरी भाजपा में चली जाती हैं और भाजपा उन्हें टिकट दे देती है, वो दावेदार हो जाती हैं, तो धर्मवीर का क्या होगा? देखिए पंडित जी, धर्मवीर उसके बाद क्या कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को सेट कर दिया आदमपुर से, और धर्मवीर भी अब उम्रदराज नेताओं की गिनती में शुरू हो गए, क्या 70 के नजदीक पहुंच गए हैं। वो भी मोहित चौधरी, अपने बेटे मोहित चौधरी को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहेंगे, अगर लोकसभा टिकट उनकी कटती है तो आपकी बजाय प्राथमिकता अपने बेटे को देंगे और पूरी पूरी दावेदारी वो तोसाम विधानसभा ठोकेंगे जहां से वो पहले विधायक रह चुके हैं, उनके खासा कार्यकर्ता वहां पे है, अच्छे मतदाता उनके वहां पे है। अगर 1% की श्रुति चौधरी वहां से विधायक होती है तो उसके बाद धर्मवीर सिंह का रुझान होगा वो बारडा या दादरी की तरफ होगा, और वो ना ही पार्टी बदलेंगे, बीजेपी में रहकर ही विधानसभा का इलेक्शन खुद ही अपने बेटे को लड़ाएंगे, प्राथमिकता बेटे की रहेगी। जी पंडित जी, किरण चौधरी भाजपा में जाएंगी या नहीं यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि दाल में कुछ काला है। अचानक किरण चौधरी के सारे कार्यक्रम रद्द करना और दिल्ली कूच कर जाना कुछ ना कुछ कहानी जरूर कहता है। अभी एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा कि किरण चौधरी का अगला कदम क्या होगा।